इस्कॉन के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का उद्घाटन हुआ, क्या कार्यशाला ने किया? ये आई एम एस कॉन है, ये हम लोग के बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अभी हम कोरोना के बाद ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मेन इसका है कि ये जो गर्भावस्था में स्त्रियाँ हैं उनके जो स्वास्थ्य संबंधित ये कार्यक्रम है। और इसमें हम लोग तरह तरह के साइंटिफिक व्याख्यान कर रहे हैं, पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन, और इंटरनेशनल फैकल्टी का भी इसमें है जो कि ऑनलाइन हो रहा है। इस जो संस्था है ये मेनोपॉज सोसाइटी और वाराणसी मेनोपॉज सोसाइटी इसको कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रॉड महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्यक्रम है, और इसमें कई कार्यशालाएँ आज आयोजित हुई। और अभी क्लब 35 प्लस की कार्यशाला है जो कि जो नॉन मेडिकल कम्युनिटी है, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन स्त्रियों को हमने अपने साथ जोड़ा है। और जिसको हम समय समय पर बताते रहते हैं मेडिकली कि क्या उनको करना चाहिए, जिससे कि वो तरह तरह की अपनी स्वास्थ्य परेशानियों से वो पहले जान सके और उसको सही समय पर उसको ट्रीटमेंट कर सके, उसका निवारण कर सके। तो आज ये क्लब 35 प्लस का जो कार्यशाला है उसका उद्घाटन श्रीमती मृदुला जायसवाल मेयर वाराणसी ने किया। लोग इसके तहत ये जागरूकता, सामाजिक जागरूकता का ये बना है। और इसके अलावा और जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है, इसमें सारे डॉक्टर्स विभिन्न विधाओं के, मेनली जो स्त्रियों और भी विधाओं के, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजिस्ट और बोन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ऑप्टोमोलॉजिस्ट, जिनका भी मतलब बढ़ती उम्र से संबंध है, वो सब इसमें अपने अपने शोध पेपर प्रस्तुत करेंगे और हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। कस्टम रूम देख लीजिएगा इधर। डॉक्टर विभा मिश्रा आप आते हैं? I think more apologies are there, so yeah. I think many people are upset because of the fear of corona, either by themselves or from the family members, pressing problems. Many have not said that they could not come. Next, Sudha. Next is to read out the minutes of GCM 1, yeah, which was held on 16 August 2021. I think all of you have read the previous weeks of meeting. It was already in doubt. If you want to go through the papers, page 3, what is page 3? It is the thing. IMS credit points, yeah. FI. It was suggested that various members, like former president, hypertension are two major preventable degeneration. Smoking and alcohol can aggravate and initiate macular degeneration and solar eclipse burns. The other causes could be tuberculosis, secondaries from cancer, and inflammatory vascular lesions. How do you take care of your patients? Fatty acids, as we all know, regular exercise. This helps to maintain a healthy weight and prevent obesity and diabetes, indirectly affecting your eye health. Avoid smoking and alcohol. These are known to aggravate. Next is know your family history and other risk factors. This I will emphasize. Each and every one of you must know your medical family history.
Did anyone in your family have glaucoma? Did anybody have a macular degeneration? I mean, these are certain conditions which we are always wanting to know.